अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्निकल हसीब जाफर में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम अपने यूट्यूब चैनल पर खिचड़ी पका सकते हैं। मसलन कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर मिक्स वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस को अपलोड करने से क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, इसमें कोई भी पॉलिसी को हम वायलेट तो नहीं कर रहे। मिक्स कंटेंट अपलोड करने से हमारे व्यूज़ पर क्या असर पड़ेगा और हमारे सब्सक्राइबर पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पर मिक्स कंटेंट को अपलोड करते हैं तो क्या हमारी वीडियोस वायरल होंगी, क्या हमारा चैनल ग्रो करता है कि नहीं करेगा। तो गाइस, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि तमाम सवालों के हल हम आज की वीडियो में ही निकालेंगे। दोस्तों, पहले हम एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि मिक्स कंटेंट से मुराद क्या है। अगर आप इससे मुराद ये लेते हैं कि आप दूसरों के चैनल से वीडियोस को निकाल कर अपने चैनल पर अपलोड करो, यानी कि उनकी वीडियोस को मिक्स करके अपने चैनल पर अपलोड करो, तो ये बिल्कुल ही नहीं करना। इससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा और डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए मिक्स कंटेंट से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि आप दूसरों की वीडियो को दोबारा अपलोड करो। और दूसरी तरफ अगर आप मिक्स कंटेंट से मुराद ये लेते हो कि आप डिफरेंट कैटेगरीज को अपलोड करो, मसलन आज आप कुकिंग में अपलोड करते हो, कल को हेल्थ वाली, परसों न्यूज़ वाली और फिर टेक वाली, इससे मुराद मिक्सिंग कंटेंट ये है, तो आप ये वीडियो अपलोड कर सकते हो। इससे आपकी मोनेटाइजेशन पर कोई भी असरअंदाज नहीं होगा, आपका चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा, क्योंकि यूट्यूब ने मोनेटाइज के लिए ये पॉलिसी रखी ही नहीं कि आप मिक्स कंटेंट को अपलोड करते हो या नहीं करते। उसने बोला सिर्फ आपका मेन थीम चेक किया जाएगा, उसमें मेन थीम वो वीडियोस जिनका सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आया है, व्यूज़ ज़्यादा आए हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा आए हैं, वो किस तरीके से आए हैं और इसके लिए आपने कौन सा सोर्स यूज़ किया। तो दोस्तों, आप मिक्स कंटेंट अपलोड कर सकते हो, इससे आपका चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा। मसलन आप खिचड़ी पका सकते हो, इससे आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा, ज़रूर होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम चलें, इसका दूसरा पहलू, क्या आपका चैनल मोनेटाइज होने के बावजूद ग्रो करेगा, आपकी वीडियोस वायरल होंगी या नहीं होंगी, क्या आपके सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप मिक्स कंटेंट अपलोड करते हो तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ट्रेंड के लिहाज से वीडियो अपलोड कर सकते हो। अगर आज कोई न्यूज़ में ट्रेंडिंग टॉपिक आया है तो आप उसे अपलोड करो, आपको वो वीडियो वायरल कर सकती है, उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं और उसी के थ्रू आपको सब्सक्राइबर भी ज़्यादा मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई और ट्रेंड में चीज़ आती है, कोई हेल्थ के लिहाज से जैसे कि कोरोना वायरस है या फिर कोई और टॉपिक में आता है ट्रेंड, तो आप उसे अपलोड कर सकते हो, उस पर ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन दोस्तों, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप मिक्स कंटेंट अपलोड करते हो तो आप आज हेल्थ में वीडियो अपलोड करते हो, फर्ज करें वो वायरल होगी, उस पर मिलियन व्यूज़ आ गए और उसी के थ्रू आपको 1000 सब्सक्राइबर भी मिल गए, लेकिन वो सब्सक्राइबर नेक्स्ट टाइम कल को यही सोचेंगे कि आप फिर हेल्थ की वीडियो ही अपलोड करोगे। लेकिन जब आप किसी और कैटेगरी में जाओगे, जैसे कि न्यूज़ में अपलोड करते हो, तो वो सब्सक्राइबर्स आपकी उस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़ में देखने का, वो तो आपके पास आए थे हेल्थ के लिहाज से। तो आपके वो सब्सक्राइबर या तो आपको छोड़ देंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, या फिर आपकी वीडियोज़ को देखेंगे नहीं, सिर्फ वहाँ पर सब्सक्राइबर शो ही होंगे और नेक्स्ट टाइम भी वो आपके चैनल पर नहीं आएंगे। इसी तरह अगर आपकी कोई वीडियो कुकिंग वाली वायरल होती है तो वो सब्सक्राइबर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुकिंग वाली वीडियोज ही बार बार लगाओगे और आपके पास वो कुकिंग की टिप्स लेने के लिए ही आएंगे। लेकिन जब वो देखेंगे कि आपके पास कोई और वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो वो आपको चैनल को छोड़ जाएंगे। यानी आपके व्यूज़ हो सकता है एक टाइम में बहुत अप जाएं, लेकिन दूसरी वीडियो में वही व्यूज़ आपके आए ही ना, बहुत ही लो आएँ। इसलिए दोस्तों, आप मिक्स कंटेंट अपलोड करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा, लेकिन आपके पास जो डिसएडवांटेज वो यही है कि हो सकता है आपकी कोई वीडियो वायरल हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम वही वीडियो या उसी टॉपिक की वीडियो वायरल ना हो। इसलिए दोस्तों, आप मोनेटाइज के लिहाज से तो वीडियो अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रांड बनना चाहते हो, फ्यूचर में वर्क करना चाहते हो, तो आप कोई भी एक निच या कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करें और उसी के मुतालिक वीडियोज़ को अपलोड करें और अपनी किस्मत को आजमाते रहें। आज नहीं तो कल ही आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी, आपका चैनल ज़रूर ग्रो करना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आप किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो इसका एक आपको और बेनिफिट्स भी है। फ़र्ज करें अगर आप किसी एक हेल्थ पर वीडियो बना रहे हो और आपकी वो हेल्थ वाली वीडियो वायरल हो चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा मिलियन व्यूज़ आते हैं, वो हेल्थ वाला बंदा जब भी कोई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा तो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपको बोलेगा कि आप इसके बारे में अच्छे अच्छे रिव्यू दो, आप इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताओ,
बताओ, तो इसके बदले में वो आपको पे करेगा। दोस्तों अगर आपका किसी तरीके से किसी वजह से चैनल डीमोनेटाइज भी होता है एडसेंस से, तो आप इन चीज़ों के थ्रू यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या फिर लोगों को प्रमोट करके भी पैसे कमा सकते हो। ये बेनिफिट आपको तभी मिल सकता है अगर आप किसी एक टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ एक टॉपिक को सिलेक्ट करें और उसी पर वीडियो को बनाएं। अगर कभी कभार किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनानी पड़ जाए तो आप बना सकते हो, लेकिन कभी कभार आप रेगुलरली मिक्स कंटेंट ना करें। ये आपके व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। आई होप आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगर दोस्तों इस वीडियो में से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।